अनंत उत्तम विकराल परमात्मा अज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भाव वंदना, उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। प्राचीन काल से इस भारतवर्ष में अनुभवियों ने अपने अनुभवों को अनेकों प्रकार से प्रकट किया। उनमें से एक बड़ा लौकिक आम प्रचलित मुहावरों और कहावतों का प्रयोग भी उन ज्ञानियों ने किया। उन ज्ञानियों ने ऐसी ऐसी कहावतें और मुहावरे दे डाले कि लोगों को लगता है कि वो जस्ट एक मुहावरा है, लेकिन उस मुहावरे के अंदर एक बड़ा सार छुपा हुआ। जैसे अनुभवी लोग कहते आए कि बिना गुरु नहीं होती राह शुरू। अब बात ऐसी लगेगी जैसे कि कोई तुकबंदी बनाई गई हो कि गुरु राह शुरू, बिना गुरु नहीं होती राह शुरू। लेकिन ये बहुत बड़ी गहरी कहती है कि बिना गुरु के आनंदमय जीवन की राह शुरू नहीं हो सकती। बिना गुरु के सच्चे जीना, जीने को सच्चाई से कैसे जीना या वाकई जीवन होता क्या है इसका पता ही नहीं लग सकता। गुरु की ज्ञान देता है, गुरु की दृष्टि देता है, दर्शन देता है। अगर जिंदगी में गुरु ना आए तो हमें इस दुनिया को देखने की सत्य दृष्टि भी ना प्रकट, क्योंकि बिना गुरु के बाकी सारे जो लोग हैं ना वो सब तो लघु है। जो गुरु नहीं वो लघु, और लघु में क्या विशेषता है कि वो सारे लोग छोटी छोटी सोच के साथ बंधे हुए हैं, छोटी छोटी इच्छाओं के साथ बंधे हुए हैं। हमारी आकांक्षाएं कितनी है, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, 50-100 करोड़। दाहिना मेरी दिशा है, दाहिनी ओर मुझे आगे बढ़ना है, वहां से
दे दी आंख, गुरु ने दे दी इच्छा, देखने का नजरिया गुरु देता है। अब गुरु क्या देखने का नजरिया देता है? कुछ घटनाएं बड़ी गजब की होती भीतर में है और कहीं बाहर होती है, और भीतर की घटनाओं को बाहर बना कहां और कैसे कहां जा सकता है? कहीं नहीं जा सकता। अब अंदर प्यार हुआ और बोले बाहर बोलो, तो प्यार की अनुभूति तो नहीं बोली जा सकती। प्यार शब्द बोला जा सकता है, मुझे प्यार हुआ है, लेकिन वो हुआ क्या है वो नहीं कर जा सकता। अब ऐसे गुरु ने दीक्षा दे दी, और दीक्षा दी तो अंदर कुछ तो घटा, लेकिन वो घटा क्या, उसको बोलना कैसे पॉसिबल ही नहीं। फिर बहुत सफल है अपने अपने अनुभव अपने अपने तरीकों से कहे। एक शिष्य ने तो कह दिया, नाम था शायद उनके चरणदास, कहते थे कि चरण दास गुरु के कृपा कीनी पुलट गई मोर नैन पुतलिया। चरणदास कहते हैं कि गुरु ने मुझको कृपा की, मेरी नैनों की पुतलिया ही पलट गई। अब गुरु ने कृपा की और दीक्षा दी, और दीक्षा ने तो क्या किया, आंखों की पुतलियों को पलट दिया। ये बात वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि अब तक तो ये आंखें दुनिया को देख रही थी, अब इन आंखों की पुतलियों को पलट दिया और वो आंखें अंदर की दुनिया को देखती है, और वो भीतर देखने लगी, खुद को देखने लगी। अब तक मैं दुनिया से ही खुद को देखता था, आपने मुझे अच्छा कहा तो मैं अच्छा हो गया, आपने मुझे बुरा कहा तो बुरा हो गया। जिस दिन आपने मुझे अच्छा कहा मुझे लगा वाह मैं वाकई कितना अच्छा आदमी हूँ, और जिस दिन आपने मुझे बुरा कहा मुझे लगा जिंदगी बेकार है, मैं कोई ऐसा मुझे इतने खराब है, या मैं अलग थी या तुम खराब हो क्योंकि तुमने मुझे बुरा कहा। यानी पूरी टाइम दृष्टि कहाँ थी, बाहर थी, पहली यात्रा चल रही थी, लेकिन गुरु ने अंतर यात्रा का दरवाजा खोल दिया। गुरु दीक्षा देता है, और वो दीक्षा कैसी दी जाती है मैं फिर कह रही हूँ, शब्दों में बयां करना असंभव है और मजबूरी है, बिना शब्द के लोग जानते भी तो नहीं, जगह नहीं है कि शब्दों का ही प्रयोग करना पड़ता है। गुरु कैसे दीक्षा देता है वो तो नहीं पता, लेकिन एक बात पता है कि शिष्य जो गुरु की चेतना के आगे खुद को समर्पित कर देता है, शिष्य जो गुरु के सामने मतहीन होना नहीं करता, मस्तक झुकाता है, तब न केवल उसका मस्तक झुके बल्कि उसकी पूरी चेतना भी झुक जाए, उसका दिल भी झुक जाए, उसकी भावनाएं भी गुरु को समर्पित हो जाए, वो स्वयं गुरुमय हो जाए। उस क्षण में घटना घटती, गुरु के भीतर का ज्ञान, गुरु के भीतर का साम्राज्य कह दो, ऐश्वर्य कह दो, वो शिष्य के अंदर ट्रांसमिट होना शुरू हो जाता है, वो शिष्य के अंदर उतरना शुरू हो जाता है। अब गुरु में से तो सतत प्रवाहित हो रहा था, लेकिन आज शिष्य रिसीवर बन गए, उसमें रिसेप्टिविटी आ गई कि वो गुरु को अपने भीतर समाहित कर पाए। अब जितने अंशों में शिष्य में समर्पण घटित हुआ उतने अंशों में गुरु तत्व उसके अंदर प्रकटा, और जैसे गुरु तत्व प्रकटा अब उसको दुनियावी बातें पहले की तरह न आकर्षित करती है, न प्रभावित करती है, न आंदोलित करती है। धीरे धीरे उसका लघुता का स्तर, चेतना में हल्कापन, हल्कापन बोले तो निम्नता, निम्न रत्तियां उसकी गिरने लगी, हटने लगी, कमजोर होने लगी। जैसे जैसे निम्न रत्तियां कमजोर होती जाएगी, हटती जाएगी, चेतना के अंदर प्राणों का प्रवाह ऊर्ध्वगामी होगा, अतः वो अपने भीतर पाएगा कि गुरु ने मुझ में एक नया वर्जन ला दिया, मेरे नहीं ये रूप छुपा था पर मुझे ना पता था, और गुरु ने मुझे मेरे ही रूप से साक्षात्कार करा दिया। और जब गुरु साक्षात्कार करा देता है तो वो कहता है, अरे अद्भुत गुरु, आप भी जो बाहर दिख रहे हो वो नहीं हो, और मैं भी जो बाहर दिख रहा हूँ वो नहीं। अब तक मैं आपको भी इंसान ही मानता था, हाँ इंसान हो, नामधारी गुरु हो, बहुत आपका नाम है दुनिया में, मान है, सम्मान है, लेकिन आज पता लगा कि ये सब चीजें तो बहुत बाहरी थी, आप कुछ और ही थे, और आप भी अद्भुत, और मुझे पता लगने लगा है कि मैं भी जो दिखलाई दे रहा हूँ वह नहीं हो, मैं भी कुछ और हूँ, और यह कुछ अन्य होने का एहसास पूर्णिमा के दिन प्रकट हो जाए, गुरु पूर्णिमा।
सार्थक हो जाए। ये पूर्णिमा का दिन भी चुना गया, इसके पीछे भी कुछ कारण है। एक तो शब्द बड़ा प्यारा, गुरु पूनम, इसको बोलते गुरु पूर्णिमा, गुरु पूनम, पूनम पूरा पूनम पूरा नम जा, पूरा समर्पित हो जा, और जैसे पूरा झुका वैसे ही गुरु तुझ में प्रविष्ट हुआ। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं के साथ, परिपूर्ण कलाओं के साथ प्रकाशित होता है। गुरु अपनी 16 ही कलाओं के साथ, अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ प्रकट होता है। इस दिन गुरु की पूजा की जाती है, गुरु के चरणों पर केशव चंदन लगाया जाता है और आज्ञा चक्र को गुरु के चरण से पैर के अंगूठे से छुआ करके ये संकल्प किया जाता है कि हे गुरुदेव, आपकी वाणी मेरे लिए आज्ञा, और वह आज्ञा मैं आज्ञा चक्र से स्वीकार करता हूँ और आपको मैं यहाँ पर स्थापित करता हूँ। अब गुरु मेरी आज्ञा में रहेगा, यानी हर कार्य, हर श्वास श्वास गुरु की आज्ञा में ही चला करेगा। जैसा गुरु चाहे वैसा मेरा जीवन हो जाए। हर कल गुरु मैं जीवा, 16 कल आत्मा के भीतर के जो ज्ञान है, जो ऐश्वर्य है, वो परिपूर्णता को जो प्राप्त होता है, तो उसको लोग कहते हैं कि 16 कलाओं का चंद्र निकला। वो 16 कलाओं से परिपूर्ण जो चंद्रमा प्रकाशित हुआ, ऐसी ही मेरी चेतना की ही सारी ही कलाएं विकसित हो गई। और कलाओं को विकसित करने में बाधक केवल दो ही बातें थी, अहंकार और प्रमाद। वह अहंकार और प्रमाद आज के दिन शिष्य गुरु को दक्षिणा दे देता है, गुरु के चरणों में चढ़ा देता है, ये गुरु मेरे दोषों को दे दो। और तो शिष्य दे रही है, जो उसके पास है वो दिया हुआ ही परमात्मा का है, वो गुरु की कृपा से ही है, तो मैं वो क्या दूंगा आपको, चला हूं भेंट मैं तुझको, यही अपमान तेरा है। जगत को भेंट तू देता, उसी से क्या रिजाऊं मैं, भला भगवान तू मेरा, तुझे कैसे मनाऊं मैं, और भगवान को कैसे मनाएंगे, कैसे रिजाएंगे, सब कुछ उसी का दिया हुआ तो है। अहंकार है हमारे पास, प्रमाद है, बस इसको गुरु के चरणों में हम आज के दिन झुका देते और गुरु को प्रार्थना चक्र कर स्वीकार कर। तब ये गुरु पूर्णिमा एक अंदर में घटित होने वाली ऐसी अद्भुत घटना है, जो हमारे जीवन में एक नया रास्ता शुरू कर दी है। फिर गुरु न होती राह शुरू, बस वो राह शुरू हो जाए और तो पता लगेगा हमारे अंदर कितने लोग हैं, कितने ब्रह्मांड हैं। हम अनंत ब्रह्मांडों का एक छोटा सा बिंब है, इस छोटे से बिंब में अनंत आकाश है, अनंत समय विराजमान है, सब कुछ है, लेकिन बाहर का सब दीन बने हैं, लघु बने हैं। इसलिए लघुता छोटे, अंदर की गुरुत्वता, गुरुत्व को हम पहचान पाए, ये आज के दिन के लिए आप सब के लिए हमारा मंगल भाव, चरमंगल परिवार का, चरमंगल का यही संदेश कि हम सब के भीतर गुरु तत्व प्रकाशित हो, प्रकाशित हो, प्रकाशित हो। जय हो, जय हो, जय हो, सबका कल्याण।